चमोली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश के चलते उफान पर यहां पर नदियां हैं, जान जोखिम में डालकर जो लोग हैं वो आवाजाही कर रहे हैं, तो वहीं वैकल्पिक मार्ग से लोग इस वक्त जो है आवाजाही कर रहे हैं। आपको बताएं कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही साथ डीएम ने भी लोगों से अपील की है, 200 मीटर दूरी पर बनाई गई है पुलिया, आवाजाही के लिए स्थायी पुल का इस्तेमाल करें। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बारिश के चलते जो नदियां हैं वो उफान पर है। इसी के साथ जो लोग हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर रास्तों का प्रयोग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ये लोग हैं किस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डालकर ये नदियां पार कर रहे हैं और जो आवाजाही है वो कर रहे हैं। तो एक पेड़ के ऊपर से कुछ बच्चे जा रहे हैं, तो मैंने अभी जानकारी ली तो वहाँ के 200 मीटर के पास में ही पीडब्ल्यूडी का नॉर्मल पैदल पुल है। अब इससे क्यों जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसके जस्ट 200 मीटर एक्स्ट्रा लगेगा और वहाँ पे पैदल पुल ठीक ठाक बना हुआ है पीडब्ल्यूडी का, और उसके आगे भी पीएमजीएसवाई का भी एक मोटर पुल की भी कार्यवाही गतिमान है। फिर भी उधर के पास में कच्चा रास्ता भी है जिसको लोग हमेशा से यूज़ करके आ रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यूज़ कर रहे हैं तो कर रहे होंगे अपने एडवेंचर के लिए, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। मैं अपील करूँगी सभी लोगों से कि इस तरीके के जानलेवा हरकत कृपया ना करें।